क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। किंतु तुम महादेव के श्रेष्ठतम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे श्राप के प्रभाव को कम करने का प्रयास अवश्य करूंगा। बड़ा अपराध हुआ है मुझसे कि मैं अपने प्रभु के सुंदर और सौम्य पक्ष को देख नहीं सका। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं माता, किंतु आप शाप कम करने की कृपा कर रही, दंड मुझे मिलना चाहिए माता, किंतु आप मेरा शाप कम करे मैं इसका इच्छुक नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ माता कि जिस प्रकार मैं प्रभु की प्रदक्षिणा कर अपनी पूजा करता आया, उसी प्रकार मैं आप दोनों प्रदक्षिणा कर सकूं। तथास्तु। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आज वास्तव में तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है भृंगी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे प्रमुख गण के रूप में मेरे साथ कैलाश में ही स्थित रहोगे। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिताश्री महादेव एवं माता, वे दोनों ही अपने एकाकी स्वरूप में शक्तिशाली एवं सक्षम हैं। फिर भी जब वो दोनों अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो संसार को अत्यंत दुर्लभ दृश्य प्राप्त होता है। संसार उनके इस सम्मिलित स्वरूप की दिव्यता और उस असीम शक्ति का साक्षी बनता है जो उनके एकाकी रूप से कहीं बढ़कर है। हम सभी स्वयं में सक्षम होते हुए भी जब अपनी शक्ति और योग्यता को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारे एकाकी रूप की क्षमता से बढ़कर होता है, क्योंकि दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। और यही है विवाह का पहला संकल्प जो माता और पिताश्री ने केदारनाथ में अपने अर्ध नारीश्वर स्वरूप के द्वारा हमें समझाया। मयूरन भाखण, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य स्थान में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, यहाँ दूर रहकर इनके रहस्य ज्ञात करेंगे हम। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्वे वामांग मायामि तदा त्रदीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी, जिसका अर्थ है पति को सदा अपनी पत्नी और पत्नी को सदा अपने पति को किसी भी तीर्थ यज्ञ अथवा सभी बड़े और छोटे कार्यों में भागी बनाना चाहिए, जिससे वो अर्ध नारीश्वर के समान एकीकार होकर अपनी संपूर्णता में उस कर्म का फल प्राप्त कर सकें। माता, आपके मुख से आपके और प्रभु के अर्ध नारीश्वर रूप की महिमा सुनना और विवाह के महत्व को समझना अद्भुत था माँ। पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पुत्र गणेश भी अर्ध नारीश्वर तत्व है? अपने पूर्ण दंत से संपन्न उसका दाहिना भाग पुरुष अथवा शिव रूप है। माता, आपके छोटे पुत्र गणेश जी की यह महिमा जानकर हम अत्यंत आनंदित हैं, किंतु आपके बड़े पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी,
मैं पुत्र गणेश को लेकर नहीं, अभी तो पुत्र कार्तिकेय के ही भावी जीवन को लेकर विचार मग्न। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराकर्मी, धर्म प्रायण, सदा ध्यान में लीन रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। मैं आप दोनों को एक वचन देता कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, किस विचार में डूब गए? कहीं आप भी अपने विवाह के बाद स्वयं को पूर्ण करने के विचार में तो नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माँ और पिताश्री के अर्धनारेश्वर रूप के विचार में था, और अब हमें भी प्रभु केदारनाथ की पूजा पूर्ण कर प्रभु अर्धनारेश्वर के दर्शन पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए मुझे पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने जाना है। तुम तो यहीं थे, फिर तुमने ये सब कब एकत्रित कर लिया? बस आपसे पहले ही भ्राता, मैंने आपके पहुंचने के पहले ही पुष्पों और बेलपत्रों को एकत्रित कर लिया था। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए? ओह, तो वो तुम्हारा कार्य था, किंतु अपने ज्येष्ठ के साथ ऐसी धृष्टता क्यों की तुमने गणेश? आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भ्राता, और क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो आपका ध्यान मुझ पर कभी केंद्रित ना होता, और यदि वैसा ना होता तो आप इतनी महत्वपूर्ण कथा भला कैसे सुनते? केवल और केवल इस कथा के कारण तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ गणेश, और अब जब तुम्हारे हाथों से ये पुष्प और बेलपत्र एकत्रित हो ही चुके हैं, तो ये पूजा भी हम साथ मिलकर ही संपन्न कर लेते हैं। अवश्य भ्राता। प्रभु गौरी शंकर, कृपा कर हमें भी अपने भव्य अर्ध नारीश्वर रूप में दर्शन प्रदान करें। माँ, पिताश्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी यात्रा यहाँ इस पावन धाम से आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस पावन धाम पर आप दोनों के इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। तुम्हारा आरंभ यहाँ हुआ है पुत्र, किंतु यात्रा के अनेकों पड़ाव हैं जिनमें भांति भांति की कठिनाइयों को पार कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तभी तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकोगे जिनसे सूरपद्मन का वध संभव होगा। किंतु तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, इसका ज्ञान तुम्हें यात्रा के अगले चरण पर ही होगा। तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है काशी, जहाँ काशी में तुम्हें मेरे विश्वनाथ रूप और तुम्हारी माता के मणिकर्णिका रूप के दर्शन प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हें उनके स्वरूप और उनके तत्व का परिचय प्राप्त होगा। और पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। कल्याण कल्याण हो। प्रभु केदारनाथ के शुभ दर्शन पाकर अब जब हम सभी इतने उत्साहित हैं, तो सेनापति बीरबाहु, सेना को यात्रा के अगले पड़ाव
काशी की ओर जाने के लिए तैयार कीजिए। पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय काशी। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, भ्राता ने हमें उनका पीछा करने से मना किया है, इसलिए हमें उनसे पहले काशी पहुंचना है। चलिए, फिर तो वो नहीं कह पाएंगे कि क्या। नहीं कह पाऊंगा मैं? और अब तुम ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भ्राता, ये असुर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमारा भेद ज्ञात करने तो नहीं आए? देखो अनुज गणेश, तुमने इस तीर्थ की कथा सुनाकर इसका महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। भ्राता। नहीं अनुज गणेश, जब तक तुम मेरे समक्ष वो भेद उजागर नहीं करते जो तुमने मुझसे छिपाया है, तुम मेरे साथ काशी नहीं चल सकते। प्रभु, आप सत्य कह ही दीजिए। जब विवाह के बारे में इतना कुछ कहा है आपने, तो बता दीजिए ना कि आप भैया के विवाह। शांत शांत रहिए मूषक जी। क्यों शांत रहिए मूषक जी, आप खुलकर बताइए। कुछ नहीं भ्राता, आप तो मूषक जी से परिचित हैं, कुछ भी ऐसे ही। अब ऐसे हो या वैसे, किंतु एक बात तो निश्चित है कि तुम मुझसे कुछ तो अवश्य छिपा रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आगे नहीं जाओगे। भ्राता, ये बात स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे, कहीं भी नहीं। स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे। बालक हैं ये। बालकों की भांति एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। महासुरचुरा पदम को मुझे इनकी गुप्तचरी करने के लिए नहीं, इसका अंत करने के लिए भेजना चाहिए था। मेरा आदेश सुना ना तुमने अनुज, तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओ। किंतु भ्राता। कहीं नहीं। प्रभु, आपने भ्राता के साथ चलने का तनिक भी हट नहीं किया। नहीं आऊंगा भ्राता, क्योंकि मुझे यहाँ एक अन्य कार्य संपन्न करना है। माता मणिकर्णिका से एक महत्वपूर्ण आशीष पाने जा रहे हैं भ्राता, उनके मार्ग में ये बाधा बने मुझे स्वीकार नहीं। ये दुष्ट यहाँ सुरा पद्मन का भेदिया बनकर आया अवश्य है, किंतु ये जाएगा हमारा सेवक बनकर। तो प्रभु, इसकी योजना भी आपने सोच ही ली होगी? उचित है, यह घाटी इन सब की मृत्यु शैया बनेगी। एक ही बार में कथा समाप्त। कथा थी समाप्त होगी। जाएंगे, कुचले जाएंगे इसके नीचे। इसके नीचे दबेंगे, शेष नहीं रहेंगे ये। ये क्या हुआ? ये कण जिन पर मेरा भाखन का नियंत्रण था, ये बिखर कैसे गए? थोड़ा प्रयास करता हूं। वहां वो है उसका कारण। हाँ, यही बिगाड़ रहा है आपका नियंत्रण। इतनी शक्ति, ये
ये कैसे संभव है? आपका सेवक हूँ, किंतु कदाचित भूल तो आपसे हो रही है। ये बालक नहीं, कहीं उससे अधिक है। मुझे रोकने का दुस्साहस करने के बाद अब मेरे सामने आने की उद्दंडता भी कर रहा है। कौन है ये गजमुख बालक? गणेश, ये गजमुख बालक गणेश है। मैं क्या सोच रहा था, इसे कैसे ज्ञात हुआ? इसका परिचय किसने पूछा? तुम्हारे स्वामी ने, उसने पूछा मेरा परिचय। मैं सबके विचार पढ़ता हूँ और इसने तो मेरे विचार पढ़ लिए। अद्भुत शक्ति का स्वामी है, मुझे सतर्क रहना होगा। अवश्य सतर्क तो होना ही चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुमने सेना पर हमारा आक्रमण रोका, हमें आहत किया और अब कह रहे हो कि हमारे साथ हो। हाँ, तुम समझे नहीं, किंतु तुम्हें तिनके के समान पछाड़कर तुम्हारी रक्षा की है मैंने, क्योंकि यदि मैं तुम्हें नहीं रोकता तो मेरे अग्रज के सामने पहुंच जाते तुम, और उनकी शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने तो अपनी श्वास से तुम्हें पीछे भेजा, किंतु उनकी तो दृष्टि के सामने भी नहीं टिक पाते तुम। तुम तो शत्रु हो, तुम्हारा विश्वास क्यों करें हम? मत करो विश्वास, तुम्हारी इच्छा है, पर इतना जान लो कि भ्राता कार्तिकेय ही वो महायोद्धा हैं जिन्होंने अपने एक ही बार से क्रौंच पर्वत के साथ तुम्हारे बलशाली योद्धा गजमुखन का भी अंत किया था। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भय से मैं स्वयं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये तो सुना था मैंने, उसने बहुत कठोर शब्दों में तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। और तुम उनका अंत करना चाहते थे? क्यों, उनका अंत करने का प्रयास करने ही आए थे ना तुम? हाँ। चतुर गणेशा। नहीं, महासुर ने तो बस उसके भेद ज्ञात करने का आदेश दिया था। तो फिर इतना संकट क्यों उठा रहे हो? दूर से ही उनके भेद ज्ञात कर लो, मैं बता सकता था। तो बता दो। किंतु क्या करूं? वो मेरे भ्राता जो हैं। किंतु वो तुमसे उचित व्यवहार नहीं करता। मैं सब कुछ बता सकता हूं, किंतु मुझे अनुमति नहीं है। अनुमति? यहाँ किसकी अनुमति की आवश्यकता है, बता दो। अच्छा, इतना ही बता दो, एक कार्तिकेय की दृष्टि से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है? हाँ, तो बता दो। नहीं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि असुरों के समान अपने परिवार के साथ छल करें। मैं अपने भ्राता कार्तिकेय के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अब जाओ तुम सब। अरे परंतु रुकिए तो। किंतु मुझे पता है इनसे कैसे उगलवाना है। अरे ये तो बोलता है। प्रथम पूज्य है, देवता है, थोड़ी पूजा करो, पुष्प प्रसाद समर्पित करो, बस ये प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कुछ भी वरदान दे देंगे। मुझे तो जाना भी होगा, क्योंकि अपने परिवार, अपने भ्राता के शत्रु के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे। चलिए मूषक जी। चतुर गणेशा। पूजा कीजिए। हाँ भाकन महाराज, पूजा कीजिए। एक गजमुख महाराज सब बता देंगे। We'll be right back.
देखिए मूषक जी, कैसे हमारी योजना सफल होती है। ये आए तो है असुर बनकर, किंतु जाएंगे हमारे भक्त बनकर। मैं इन असुरों को भ्राता के मार्ग का बाधा कदापि नहीं बनने दूंगा। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, तुम महानतम देवता है, हमें अपनी पूजा की अनुमति दीजिए। तो प्रभु चलिए आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ताय गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय। देवता से पहले उनके वाहन को प्रसन्न करना चाहिए, इतना भी नहीं समझते? हेलो आप भी प्रसन्न हो जाइए। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। प्रसाद से प्रभु को तृप्त कर दिया, प्रभु प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना है, बस मेरे भ्राता के बारे में मत पूछना। नहीं नहीं प्रभु, आपकी पूजा की, इतनी सेवा की, अब आपको हमें इतना वरदान तो देना ही होगा वरदान। हाँ, आपके भ्राता कार्तिकेय के सभी गुप्त रहस्य आपको बताने ही होंगे प्रभु। ओहो, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर तुमने विवश कर दिया मुझे। भ्राता काशी गए हैं, जहाँ माता मणिकर्णिका से उन्हें वो प्राप्त होगा जिससे वो असुर राज सुरा पद्मन का वध कर सकेंगे।